सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है एमएस ट्रक व्लॉग में। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, हम लोग गाड़ी लोड करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। कल लोड नहीं हुआ था, लास्ट माल अपना तेल बचा था, तो तेल के अलावा भी और भी माल बढ़ गया। जैसे कि अपन रुके थे यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारा चीज, जैसे कि और भी चावल वावल वगैरह दो तीन आइटम और भी बढ़ चुका है। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे नहाने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा रायपुर में गर्मी लग रहा है और गाड़ी में पूरा पसीना पसीना हो गया था। तो मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आ गया, इधर से नाश्ता किया, ब्रश किया, उसके बाद मैं नाश्ता किया, सीधा आ गया नहाने के लिए। अभी नहा धोवा लिए हैं, उसके बाद मैं भी निकल रहा हूँ गाड़ी के पास में। वहाँ पे गाड़ी देखता हूँ, वहाँ पे लोड कर रहे होंगे। वैसे लोडिंग पॉइंट में लगा के मैं वहाँ से आया था, और देखते हैं वहाँ पे लोड हो जाता है, उसके बाद में निकलेंगे वहाँ पे अनाज मंडी में। अनाज मंडी में उसके बाद में माल लोड करना, उसके बाद सीधा निकलेंगे गीदम के लिए, माल खाली करने के लिए। सो ठीक है, जाके देखते हैं अपनी गाड़ी कितनी लोड हुई है। एक्चुअली अभी आया था नहाने के लिए, तो लोडिंग पॉइंट में लगा के आया था, अभी जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना लोडिंग। यहाँ पे फाइनली नहा धोवा के हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी लोड हो रहा है। एक ठन गाड़ी लोड हो रहा है, उसके बाद में अपना लोड होगा। क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आया था सुबह में, लेकिन एक छोटा सा बात के लिए इशू हो गया था, तो मैं गाड़ी लेके भाग गया था। तुम्हारा माल लोड नहीं करूंगा। उसके बाद में पार्टी वाला बहुत ज्यादा कॉल किया और रिक्वेस्ट किया, तो मैं फिर दोबारा से गाड़ी लेके आ गया। देख सकते हो यहाँ पे सामने में एक गाड़ी लोड हो रहा है, उसको लोड होने के बाद में गाड़ी सबसे पहले अपना गाड़ी लोड होगा, उसके बाद में लोड करते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं एक सेकंड जगह में बगल में ही है, वहाँ पे लोड होगा, उसके बाद में वहाँ पे लोड करने के बाद में देखते हैं, उसके बाद लिख लेंगे सीधा। तो ठीक है गाइस, फिर देखते हैं कब तक अपना लोडिंग हो जाता है यहाँ पे तेल वेल। तो वीडियो में बने रहो, वीडियो को देखते रहो, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज का। हे गाइस, अभी मैं सो गया था अभी लोडिंग के लिए यहाँ पे। थोड़ा सा लेट के फोन चला रहा था, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा नींद आ गया था अभी। तो हाँ, अभी क्या है, इन लोग लंच पे चले गए थे, तो अभी जस्ट खाना वाना खा के आए हैं, तो अभी जस्ट मेरा नींद खुला, काफी ज्यादा लेट हो गया है। तो ना फटाफट लोड करता हूँ। बहुत सारे पार्टी लोगों को मेरे को कॉल भी आया था कि यहाँ पे लोडिंग के लिए, मतलब 20-22 कॉल आ चुका है, मैं अटेंड नहीं किया हूँ। अभी बारी बारी सबको, पहले गाड़ी लगाता हूँ लोडिंग के लिए, उसके बाद बारी बारी गाय सबको कॉल करूंगा कौन कहाँ का है और कहाँ जाना है। तो ठीक है, फटाफट गाड़ी लगाते हैं। सो गए यार, काफी ज्यादा लेट हो गया, सोना नहीं चाहिए था, वैसे आंख लग गया था। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपना गाड़ी लगा दिया था और यहाँ पे लोडिंग चालू हो गया था गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो पतंजलि का स्टोर है, यहाँ पे पतंजलि का हर एक सामान मिलता है, जैसे कि डलडा हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, रिफाइन हो गया, ये सब जितना ऑयल वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी सारा इनके पास पहले से स्टॉक भी पड़ा हुआ है। मैं इधर अंदर में आ गया था, यहाँ पे देख सकते हो पीछे में पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है, 1 लीटर से लेकर 5 लीटर तक का यहाँ पे है इनके पास, बहुत सारा है। तो यहाँ से अपने को लोड करेंगे, उसके बाद में यहाँ से लोड करने के बाद और भी माल लोड करना है बगल में ही। तो यहाँ से चलते हैं फटाफट, लोड करते हैं यहाँ से और यहाँ से निकलते हैं बगल में लोड करते हैं, क्योंकि बगल से भी बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। तो ठीक है गाइस, फिर वीडियो को देखते रहो। सो गाइस, यहाँ पे एक गाड़ी अपना लोड हो ही रहा था तेल, तब तक ये देख पिकअप आ गया। इस पिकअप में दाल आया है, दाल जो अपने गाड़ी में लोड होगा। यहाँ पे 30 कट्टा दाल है, इसका मतलब ये अपने गाड़ी में डलेगा। और इसमें मूंगफली भी है थोड़े से, तो ना इसके अपने ये माल डलने के बाद ये माल अपने गाड़ी में डलेगा, मूंगफली और दाल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मूंगफली के बोरी में से मूंगफली निकाल निकाल के खा रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी बोरी फटी थी, तो और ना तगड़ा लग रहा था भाई, ऐसे मौका कौन नहीं छोड़ता है, बोरी फटी हुई है, मैं यहाँ निकाल निकाल खा रहा था। ठीक है गाइस, इसको फिर माल को डलवाते हैं फटाफट और बाकी माल को भी। गाइस देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टॉक चावल का पड़ा हुआ है, अपने गाड़ी में ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन लास्ट मेरे को लगता है चावल हो पाएगा। अगर छोटा मोटा किसी का सामान होगा तो वो हो जाएगा, कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो काफी तगड़ा, यहाँ पे मतलब हर वैरायटी का चावल मिलेगा भाई, महंगे से लेके सस्ते तक। देख रहे हो यहाँ पे ये सब महंगे से लेके इतने बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का चावल, पूरा चावल का गोडाउन है ये। और गाइस इधर तो है उधर भी है, बगल में भी एक है, मतलब पूरा ज्वाइंट ही है यहाँ पे, पूरा चावल ही चावल है भाई। मतलब छत्तीसगढ़ में जितने चावल चलते हैं सारे वैरायटी यहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब देख के मजा आया गाइस, इतना ज्यादा चावल है यहाँ पे। एक सेकेंड बगल में दिखाता हूँ, तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी पूरी की पूरी लोड हो चुकी है यहाँ पे, ऑल कंप्लीट माल। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी जगदलपुर के लिए। सबसे पहले जगदलपुर जाएंगे, वहां से उसके बाद में गीदम जाएंगे और माल वाल खाली करेंगे। वैसे पार्टी वाले का कॉल आया था, पार्टी वाला बोल रहा था कल खाली नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, खाली वाली कर देंगे। एक सेकंड गाइस, मैं आपको दिखा दूं कि पूरी की पूरी अपनी गाड़ी अभी की लोड हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो सामने में ग्राउंड रहा, यहाँ पे क्रिकेट अभी लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी गाड़ी अभी लोड हो चुकी है गाइस, देख सकते हैं आगे से पीछे तक की। सो गाइस अभी
सो गाइस यहाँ पे भैया का गाड़ी खराब हो गया है। भैया मेरे गांव के थे तो इनका ना गाड़ी का क्या पंप का वायर छोड़ दिया है। बहुत पुराना मॉडल गाड़ी है तो इसको क्या अपन अभी ठीक कर दे रहे हैं। भैया को उतना पता नहीं चल पा रहा था। इसको दिखाओ पास से टार्च को, अंदर में एक क्लिप और थोड़ा दूर करो, अच्छे से दिख रहा है। डीजल कुछ फर्क ना नहीं मारे? अरे कुछ नहीं होगा। स्टार्ट मारो गाड़ी, गाड़ी स्टार्ट मारो, स्टार्ट करो गाड़ी, स्टार्ट करो, स्टार्ट हो जाएगा जोर से। बस बंद करो गाड़ी, बंद करो, बंद कर दो। तो भैया ये गाड़ी का सो गाइस यहाँ पे भैया का गाड़ी खराब हुआ था। ये मेरे पापा के दोस्त हैं तो यहाँ पे इनका नीचे में यहाँ पे साइड से पंप का तार छोड़ दिया था, इनको पता नहीं चल रहा था तो अभी इसका पंप का तार लगाए। तो भैया गाड़ी बन गया, इधर देखो गाड़ी बन गया। हाँ, ये मेरे बड़े भैया हैं, मेरे गांव के हैं, बेचारे मेरे गाड़ी को पहचान लिया। अभी रात को ना 12:30 बज रहा है, अभी ना रात को गई 12:30 बज रहा है। मेरे गांव के भैया है, मेरा गाड़ी को अच्छा हुआ पहचान लिया। अगर नहीं पहचान पाते तो बेचारे रात को यहीं पे फंसे रह जाते। तो ठीक है गाइस, इतना तो नॉलेज है तो इतना तो कर ही लेते हैं। तो ठीक है, ये तो अपने बड़े भैया थे तो इनके लिए तो करना ही था, खैर कोई दूसरा रहता है चल देता, लेकिन भैया थे तो भैया हो गया ना काम। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फिर बनट वनट गिराओ, फिर मैं भी निकलता हूँ, मेरा भी क्या गल्ला माल है ना। चलो थैंक यू चाबी के लिए, पेन दिए दे गिरिया। सो गाइस मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और रात भर गाड़ी चलाया हूँ मैं, मेरे को काफी ज्यादा नींद आ रही है। यहाँ पे मेरे को नींद आ रही थी, यहाँ पे रास्ते में सिंगापुर ढाबा में रुका, मैं सोच रहा था क्या करूँ, सो जाऊँ, तो मैं बोला नहीं सोऊंगा यार, तो मैं जाके एक चाय पी के आया और एक स्ट्रिंग लेके आया, इसको थोड़ा सा पीने से ना क्या है कि नींद थोड़ा खुलेगा तो लेके लिख लूंगा। तो ठीक है गाइस, मैं मेरे को अभी नींद आ रहा था तो मैं रुका था, यहाँ चाय वाय पी लिया, स्ट्रिंग भी ले लिया, अभी यहाँ से निकल रहे हैं सीधा जगदलपुर के लिए, देखते हैं कब तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पहुंच के ही सोएंगे गाइस, रास्ते में तो नहीं सोएंगे, इतना तो गारंटी है, चाहे कुछ भी हो जाए पहुंच के सोएंगे। एक बार सोच लिया पहुंच के सोएंगे तो पहुंच के सोएंगे। ठीक है गाइस, मैं निकल रहा हूँ यहाँ जगदलपुर के लिए, देखते हैं कब तक पहुंचता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग जगदलपुर आ चुका हूँ फाइनली, अभी समय हो रहा है 5:01 हो रहा है। और गाइस मैं अपने माल पे पीछे तिरपाल नहीं बांधा था तो अभी मैं अपने भाई को कॉल किया था, मेरा भाई अभी चाचा का लड़का आया है, फिर चाचा का लड़का आ चुका है, अभी इसको बुलाया हूँ कि रस्सा उस्सा तिरपाल उरपाल, रस्सा तो मारने की जरूरत नहीं है, तिरपाल उरपाल से ढक देंगे अभी। तो अभी ये भी आ चुका है तो अभी जाते हैं पंप में लगाते हैं और देखते हैं। पार्टी वाला वैसे बोला था कि आज खाली नहीं हो पाएगा क्योंकि ना आज कोई प्रॉब्लम है, तो आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल भाई को भी लेके जाएंगे जो सामने है, कल इसका पेपर है, पेपर को खत्म करेंगे उसके बाद 12 बजे के बाद लिख लेंगे। तो ठीक है गाइस, अगर देखते हैं आज खाली करने के लिए बोलेगा तो आज ही लिख लेंगे, नहीं तो कल जाएंगे। फिर ना चलते हैं पंप में, जाते हैं पहले देखते हैं क्या सीन है, पंप होते हैं। अभी तो हम लोग सिटी में है, देख सकते हो यहाँ पे जगदलपुर सिटी में अभी। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से,